अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिया भाई एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। उसके साथ ही साथ कल जो है 27 की रात में मक्का में कितनी लाखों की पब्लिक आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके थोड़े फ़ोटोज़ है वो भी शेयर करूँगा, इसलिए इस वीडियो को लाजमी आखिर तक रुकी है। और जो है सो अपन इस महीने के अंदर उम्र गुजारने वाले हैं ना, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लाजमी पूरा वीडियो आखिर तक देखने की पूरी कोशिश करी है। चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा बातें। शिया भाई को घर से निकले हुए पूरे देश 322 दिन पूरे मुकम्मल होने वाले हैं। शिया भाई का अभी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करने से पहले अपन जो है सो कल मक्का में इतने पब्लिक आई बोल तो ऑलमोस्ट तो 20 लाख के ऊपर ही पब्लिक आई बोलकर आपने को एस्टिमेशन मालूम होगा। उसके जो है सो अपने पास फ़ोटोज़ मौजूद है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो है सो अपने मक्के की फ़ोटोज़ है वो कल की 27 की रात में सबसे ज़्यादा पब्लिक आई हुई है बोलकर मालूम हो रहा। 20 लाख के ऊपर ही पब्लिक है बोलकर बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं शिया भाई के लोकेशन के बारे में। दोस्तों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि शिया भाई का एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि कल उनका सफ़र कल कहां तक हुआ है कल की वीडियो में देख सकते हो आप लोग। आज का लोकेशन हमारा जितना मालूम है उतना ही आप लोगों से शेयर करते हैं, उससे ऊंच नीच कुछ भी नहीं बताते। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। जितना हम आपको बताया गया है, शिया भाई फ़िलहाल तो अब मदीना रोड पर ही है बोलकर बताया जा रहा है। शिया भाई अभी 600 किलोमीटर के आसपास सफ़र तय करने का है। 600 किलोमीटर के आसपास सफ़र तय करने के बाद मदीना पहुंचने वाले हैं। तो शिया भाई अब मदीना पहले ही चले जाते, नहीं मक्का जाते, इसके बारे में भी अभी तक भी कन्फ्यूजन है। उसके बारे में शिया भाई ख़ुद सामने आके बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों को हमको भी मालूम होने वाला है। और जो है उनकी एग्जैक्ट फ़िलहाल लोकेशन जिस विलेज में रुक रहे हैं वो उसके बारे में तो शिया भाई नहीं बता रहे वहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक गाँव नहीं रहते ना, बीच में खाली रोड ही रोड रहती, इसलिए वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम हो रहा है। उसके बारे में भी जैसा मालूम है तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और जो है आप लोगों को डाउट होगा कि शिया भाई रोज़े रह रहे हैं या नहीं रह रहे, बल्कि शिया भाई रोज़े की हालत में ही सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिया भाई रोज़े छोड़कर उनका सफ़र तय कर रहे बोलकर। अरे अलहमदिल्ला शिया भाई बताएगा कि हम जितना बताएगा उतना ही बता रहे, शिया भाई रोज़े की हालत में ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं। एक दिन में 40 से 50 किलोमीटर, कभी कभी धूप ज़्यादा होने से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक तो सफ़र कंपलसरी कर रहे हैं और रोज़े भी रह रहे शिया भाई। तो दोस्तों अभी तो कुल मिला के अपने को शिया भाई का जितना अपडेट मिला है मदीना रोड पर ही है, 600 किलोमीटर के आसपास सफ़र तय करने का है। बहुत ही जल्द अभी शिया भाई मदीना पहुंचने वाले हैं, इतना तो अपने को अपडेट मिला है। और कोई नई अपडेट अपने को शाम तक मालूम है तो इंशाल्लाह ताला आने वाली कल की वीडियो में आप लोगों से ज़रूर शेयर करा जाएगा। नहीं बोले तो और कोई अहम जानकारी मिले तो आज के शाम में वीडियो में भी बता दूंगा मैं, इसलिए अपने चैनल पर जुड़े रहिए। तो और एक ख़ास बात क्या है बोले तो मैं इससे पहले दो वीडियो से बताते आ रहा हूँ, इस महीने के 27 तारीख को उम्र गुजार रहा हूँ बोलकर मेरा पहला उम्र होने वाला है। और जो भी बंदे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से अपन व्लॉग्स डालने वाले हैं, वहाँ की ज़्यारत कराने वाले हैं मक्का और मदीने की। आप लोगों को हर तरीके के व्लॉग्स आने वाले हैं, हर वीडियो हर जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से ज़रूर शेयर करता रहूँगा। वहाँ पर जाके लाइव वीडियोज़ डालने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, वहाँ पर मौका मिलेगा तो। और नहीं बोले तो शाम के वक्त हर रोज़ अपने को वहाँ से वीडियोस आने वाले हैं, तो अपने चैनल पर बने रहिए। इस महीने की 27 तारीख को अपनी फ़्लाइट है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से फिर वहाँ से ट्रैवल्स यानी कि बस रहती, बस से अपन सीधा मक्का पहुँच जाते, 2 घंटे जिद्दा से मक्का को 2 से 3 घंटे में पहुँच जाते। तो ये था दोस्तों अपडेट, इतनी जानकारी थी। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।